नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हमेशा की तरह अपन बात करेंगे इम्पोर्टेंट करंट रिलेटेड न्यूज एंड उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट MCQs फॉर्मेट में क्वेश्चंस। ओके, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। किसी भी एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, लाइक दैट बैंकिंग हो गया, आपके IBPS का एग्जाम्स हो, SBI का एग्जाम्स हो, RBI का एग्जाम्स हो, FCI का एग्जाम्स हो, कोई भी एग्जाम्स हो, SSC CGL, CHSLs, रेलवे NTPC या अदर स्टेट लेवल के एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। कोई भी किसी भी तरह का आपके दिमाग में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल्स को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स। अच्छा लगे लाइक करिएगा, इंपॉर्टेंट लगे तो औरों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। ओके, टुडेज 3rd of March 2021, आप सभी का दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ अपन सेशंस को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, कल एक वीडियो मैंने बनाया था, बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया था अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशंस का, यानी कि फरवरी मंथ के। जैसे कि आप सभी को मालूम है, जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर है उनको मालूम है, मंथ एंड होते ही मैं पर्टिकुलर टॉपिक बेस पर वीडियो आपके लिए बनाता हूँ। उस मंथ में कौन कौन से, जैसे ये अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशंस का है, उसी प्रकार आपको डीज, राइट, उसी प्रकार आपके ऑबिचुरीज, यानी कि फरवरी मंथ में किन किन व्यक्तियों का निधन हुआ है, राइट, उसी प्रकार आपके बुक, कौन कौन सी बुक रिलीज की है पर्टिकुलर। ओके, तो इन सभी का डिटेल्स में एक एक सेपरेट सेपरेट वीडियो में बनाता हूँ। तो अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशंस का फरवरी मंथ का मैंने बना दिया है, आप में से जिस स्टूडेंट्स ने देखा होगा, आई होप अच्छा लगा होगा। अगर जिस किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा है अभी तक, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है और बहुत ही अच्छा कंटेंट है। गारंटी के साथ कह सकता हूँ एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ओके, एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं पूछेगा इससे, अब देखिएगा। ओके, ये फरवरी मंथ के, अगर आपको जनवरी के मंथ में भी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में मैंने लिंक भी दे रखे हैं, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। फरवरी मंथ के डीज प्लस उसकी थीम, यानी कि कौन सा डीज इंपॉर्टेंट है, प्लस उसकी क्या थीम है, सब्जेक्ट क्या है, उन सभी का एक साथ एक ही वीडियो में मैंने कलेक्शंस दिया है, देख लीजिएगा। जनवरी मंथ का भी अगर आपको पढ़ना हो तो डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक भी मैंने दे रखा है, जाके देख लीजिएगा एक बार। ओके, ये दिसंबर तक का PDF है, जिनका रिसेंट में कोई एग्जाम्स है तो प्लीज अब ये PDF एक बार जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल्स पे मैंने दे रखे हैं, सभी के सभी PDF में बहुत ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, और किसी भी तरह का कोई चार्ज आपको नहीं पे करना, खाली आपको डाउनलोड करके बस रिविजन्स करना है, राइट। अपॉइंटमेंट ये ऑबिचुरी है जनून टू दिसंबर मंथ की, और ये आपके बुक्स है, कौन कौन सी बुक्स रिलीज की गई है, राइट, उन सभी का डिटेल्स में एक वीडियो मैंने बनाया है, फ्री ऑफ कॉस्ट PDF है, कोई भी किसी भी तरह का आपको पे नहीं करना। ये डेज हैं, नेशनल्स प्लस इंटरनेशनल्स डेट्स होगी, उनके रिगार्डिंग आपके डेज प्लस उसकी थीम है, राइट, मार्च से लगाकर दिसंबर मंथ का कंप्लीट एक PDF बनाया है। ओके, अब चलते हैं इंपॉर्टेंट आज के क्वेश्चंस पे। देखिए, कल मैंने क्वेश्चंस पूछा था होमवर्क के, व्हेन इज नेशनल साइंस डे, राइट, नेशनल साइंस डे आपका कब बनाया जाता है, राइट, नेशनल जो साइंस डे है वह आपके यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब बनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है जो कि 28 फेब को, 28 फरवरी को आपकी बनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ओके, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को आपके बनाया जाता है। फरवरी मंथ के इंपॉर्टेंट डेज हैं तो मैंने दे चुका हूँ, एक बार आपके साथ रिविजन्स भी रिवाइज भी करवा देता हूँ, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा।
फर्स्ट ऑफ ऑल सर 2 फेब को वर्ल्ड वेटलैंड डे, राइट। नेक्स्ट 4 फेब को वर्ल्ड कैंसर डे, राइट, विश्व कैंसर दिवस जो कि 4 तारीख को यानी कि 4 फरवरी को मनाया जाता है, राइट। नेक्स्ट आपका 10 फेब को वर्ल्ड पल्सेस डे, राइट, विश्व वर्ल्ड पल्सेस डे यानी कि विश्व दहलन दिवस जो कि 10 फरवरी को मनाते हैं। नेक्स्ट 13 फरवरी को इज वर्ल्ड रेडियो डे, राइट, वर्ल्ड रेडियो डे यानी कि विश्व रेडियो दिवस जो कि 13 फरवरी को आपके मनाया जाता है, ओके। एंड देन इसी दिन आपके नेशनल वुमेन्स डे, राइट, राष्ट्रीय महिला दिवस जिसको कहते हैं, वह भी आपके 13 फरवरी को मनाया जाता है, राइट। तो ये 2 डेज है, याद रखिएगा 13 फरवरी को इनमें से एक क्वेश्चन पूछ सकता है, ओके। नेशनल वुमेन्स डे, सरोजनी नायडू, आप सभी ने नाम सुना होगा, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर यह दिवस बनाते हैं, ओके। नेक्स्ट है आपका दैट इज द 20 फरवरी को, 20 फरवरी को मार्डी रेस्पंस वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, राइट, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस जो कि 20 फरवरी को बनाया जाता है। नेक्स्ट 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो कि 21 तारीख को बनाते हैं। नेक्स्ट टाइम आई डियर स्प्रिंट यहाँ पर 28 फेब को दैट इज द साइंस डे, राइट, राष्ट्रीय साइंस विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे जो कि आपका 28 फरवरी को बनाता है। इज इट क्लियर, समझ में आया, नहीं समझ में आया दोबारा पूछिएगा, समझ में आया तो थम्स अप बटन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं आज की इंपॉर्टेंट बुक्स पे। फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, एक पुस्तक लिखी गई है दैट इज द हैशटैग मी टू, राइट, एक पुस्तक है जिसका नाम हैज मी टू, राइट, हैज मी टू, राइट। तो इस पुस्तक को लिखा है दैट इज द करण पुरी, राइट, करण पुरी जी ने इस पुस्तक को लिखा है। पर्टिकुलर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि इस पुस्तक का नेम और पर्टिकुलर ऑथर कौन है ये आपको जानना है, राइट। करण पुरी, राइट, करण पुरी है जिन्होंने अपने रियल लाइफ इंस्पायर्ड स्टोरीज फ्रॉम द मी टू मूवमेंट इन हिज बुक, राइट, इस बुक में लिखा गया है, ओके। नक्शा होते हैं आज की इम्पॉर्टेंट न्यूज पे। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दैट इज द लोकसभा टीवी एंड राज्यसभा टीवी, राइट, उनको मर्ज करके एक न्यू टीवी यानी कि संसद टीवी में मर्ज कर दिया है, यानी कि संसद टीवी में दोनों प्रकार की जो राज्यसभा है और जो लोकसभा है, याद रखिएगा लोकसभा को हमेशा निम्न सदन कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन की श्रेणी में रखा जाता है। एसएससी वाले प्लीज इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, लोकसभा उच्च सदन है, राज्यसभा, लोकसभा आपके निम्न सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, राज्यसभा उच्च सदन की श्रेणी में आता है, लोकसभा निम्न श्रेणी की सदन में आता है, राइट। तो उन दोनों की टीवी, राइट, जो टेलीविजन पर प्रकाशित होता था, पहले लोकसभा का लोकसभा टीवी में, राज्यसभा का राज्यसभा टीवी में, अब इन दोनों टीवी को मर्ज करके एक टीवी बना दिया है दैट इज द संसद टीवी, राइट। संसद टीवी पे दोनों प्रकार की संसद है, लोकसभा राज्यसभा, वह की जाएगी, ओके, वह टेलीकास्ट किया जाएगा। तो इसकी चेयरमैन कौन बने हैं दैट इज द सीईओ बने हैं रवि कपूर, राइट, रवि कपूर है, आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स रह चुके हैं, उनको एज अ सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, राइट। याद रखिएगा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रवि कपूर, रवि कपूर एज अपॉइंटेड इट्स सीईओ ऑफ संसद टीवी। देखिए क्वेश्चंस यह भी पूछ सकता है, 2 क्वेश्चंस बनते हैं, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी, इन दोनों को वो मर्ज करके कौन सी टीवी बनाई गई है, याद रखिएगा संसद टीवी, ओके, इसके सीईओ हैं दैट इज द रवि कपूर। क्लियर, समझ में आया
तो प्लीज थम्स अप बटन पे जरूर क्लिक करिएगा। ओके, नेक्स्ट एक होरन की जो लिस्ट आई है बिलियनर्स की, राइट, उसमें मुकेश अंबानी, अंबानी टॉप्स इंडियंस बिलियनर्स लिस्ट विच 83 बिलियन डॉलर, राइट। अंबानी यानी कि मुकेश अंबानी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज, राइट, आप सभी ने सुना होगा मुकेश अंबानी के बारे में, वह आपके होरन की लिस्ट में इंडिया में टॉप पोजिशंस पे हैं और वर्ल्ड और बात करें तो 8 पोजिशंस पे हैं। दोनों चीजों में ध्यान रखना है, राइट, 8 पोजीशंस पे आपकी पूरे पूरे वर्ल्ड में और फर्स्ट पोजीशंस पे आपकी इंडिया में है, दोनों ध्यान रखना है। और नेटवर्थ इनकी है दैट इज द 83 बिलियन डॉलर। बैंकिंग सेक्टर्स में इनकी नेटवर्थ भी बहुत बार पूछ लेता है, तो ध्यान रखिएगा मुकेश अंबानी जी की नेटवर्थ है 83 बिलियन डॉलर और गौतम अडानी इनकी नेटवर्थ है दैट इज 32 बिलियन डॉलर। क्लियर, समझ में आया? तो प्लीज एक बार थम्स अप बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल्स माय डियर स्पेंड्स, मैं रिपीट कर देता हूँ, हुरेन हुरेन की जो लिस्ट है उसमें बिलियनर्स में इंडिया की में टॉप पोजीशंस पे मुकेश अंबानी है और मुकेश अंबानी की अगर वर्ल्ड लेवल पे रैंक पूछे तो 8वें स्थान पर है, 8 पोजीशंस पे है। क्लियर, हुरेन का जो हेडक्वार्टर है, जो मेन हेडक्वार्टर है, शंघाई में है चाइना में, एंड इंडिया में आपके बॉम्बे में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, याद रखिएगा। और कितने डॉलर मिलियन है, कितने डॉलर बिलियन है, तो 83 बिलियन डॉलर रुपीज इनकी नेटवर्थ है। कभी कभार नेटवर्थ पूछता है तो प्लीज ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये तो थी आपके लिए न्यूज, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक बटन पर जरूर प्रेस करिएगा। अब आते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हु ऑथर्ड द बुक एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस में किसने लिखी है यह पुस्तक, राइट, हु इज द राइटर ऑफ पर्टिकुलर बुक एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, तो यह पुस्तक लिखी है दैट इज द अनिंद्य दत्ता, राइट, अनिंद्य दत्ता है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। जो भी स्टूडेंट मेरा कल का वीडियो देखा ना, मैं पर्टिकुलर जो कल आपके साथ न्यूज शेयर करता हूँ उनके एमसीक्यूज आज मिलते हैं, आज जो मैंने न्यूज शेयर की है उनके एमसीक्यूज आपको कल मिलेंगे। ओके, तो इस प्रकार मेरे वीडियो का शेड्यूल्स रहता है, तो इसीलिए कहता हूँ रेगुलर बनिए। रेगुलरिटी अगर आप जीके में मेंटेन कर पाते हो तो गारंटी से कह सकता हूँ आपको कुछ भी और एडिशनल्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस इस पुस्तक के राइटर हैं दैट इज द अनिंद्य दत्ता। नेक्स्ट, हु इज द चेयरमैन एट द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स CBDT, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, उसके चेयरपर्सन कौन बने हैं, कौन है, तो दैट इज द PC मोदी। PC मोदी हैं जो कि आपकी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर के बोर्ड के नए प्रत्यक्ष कर बोर्ड के आपके अध्यक्ष हैं, जिनका जो टेन्योर है वह आपके कंप्लीट कंप्लीट हो गया था, बट इनका टेन्योर अब टेन्योर है जो कि 3 महीनों के लिए एक्सटेंड कर दिया है, इसीलिए न्यूज में थे, इसीलिए मैंने क्वेश्चंस बनाया है। सेंट्रल बोर्ड डायरेक्टर्स आप सभी को मालूम है, कल का वीडियो देख लीजिएगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों में मैंने डिफरेंस बताया है, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट टैक्स, दोनों का डिफरेंसेस मैंने वहां पर अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ओके, तो प्लीज आप कल का वीडियो एक बार जरूर देखिएगा। ओके, ऑप्शन है अजय मल्होत्रा, ये कल भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, राइट, अजय मल्होत्रा जो कि ह्यूमन राइट काउंसिल्स में कमेटी एडवाइजर के हेड के रूप में नियुक्त हुए हैं, पहले ऐसे भारतीय हैं, याद रखिएगा अजय मल्होत्रा। ओके, याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका आंसर PC मोदी है, जिनका कार्यकाल 3 महीनों के लिए और बढ़ाया गया है। नेक्स्ट देखिए,
जीएसटी कलेक्शंस यानी कि जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस February 2021 स्टूड एट यानी कि जो है 1.13 लाख करोड़ रुपीज का। इट इज हाउ मच परसेंटेज हायर देन द रेवेन्यूज ड्यूरिंग द सेम मंथ लास्ट ईयर। यह पिछले वर्ष से जो पिछले वर्ष फरवरी में हुआ था इस बार फरवरी का कितने प्रतिशत ज्यादा है। राइट क्वेश्चन ये राइट तो 7% आपकी ज्यादा है इस बार फरवरी मंथ में। ओके ये अब देख लीजिए यहाँ पर फरवरी मंथ मैंने दे रखा है 1.5 लाख करोड़ रुपीज था आपके लास्ट ईयर में फरवरी में एंड इस ईयर में 1.13 लाख करोड़ रुपीज का है यानी कि टोटल्स करीबन करीबन 6-7% आपका ज्यादा है। ओके याद रखिएगा जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी आपकी 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था याद रखिएगा। फाइनेंस मिनिस्टर्स निर्मला सीतारमन है, अनुराग ठाकुर जो कि एमओएस है मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्टर ऑफ आपके स्टेट है वित्त मंत्रालय में राइट एंड देन हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से यह सांसद भी हैं। ओके Which state will host the Indian Women's League IWL in भारतीय महिला लीग की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। राइट तो भारतीय महिला लीग की मेजबानी करेगा उड़ीसा स्टेट। ओके उड़ीसा स्टेट है जो कि इंडियन वुमेन्स लीग का स्टेट है जो कि मेजबानी करेगा। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर होगी। नवीन बाबू नवीन पटनायक यहाँ के गवर्नर होंगे चीफ मिनिस्टर होके गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर होके भीतरकनिका सिमलीपाल भीतरकनिका सिमलीपाल यहाँ के फेमस नेशनल पार्क हैं। मधुबाबू पेंशन योजना बलराम स्कीम मधुबाबू पेंशन योजना और बलराम स्कीम ये दोनों स्कीम हैं जो कि आपके उड़ीसा की ही हैं याद रखिएगा। कालिया पेटा ये सारे स्कीम्स आपके उड़ीसा गवर्नमेंट की हैं। ओके मधु एप्लीकेशंस मो जीवन मो प्रतिभा ये सारे जो एप्लीकेशन है वह आपके उड़ीसा स्टेट के ही हैं। ओके तो ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स में पूछ लेता है कभी कभार। ओके खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है उसका भी पहला एडिशन है जो कि आपके उड़ीसा में हुआ था एंड दूसरा जो एडिशन होगा वो आपके कर्नाटका में होगा। ओके विनय कुमार राइट आप सभी ने नाम सुना होगा। विनय कुमार इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट हु अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट रिसेंटली। राइट विनय कुमार है जो किस खेल से जुड़े हैं जिसने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। विनय कुमार किस खेल से जुड़े हुए हैं तो वह माय डियर एस्पिरेंट्स एक क्रिकेटर थे एक बॉलर थे याद रखिएगा। भारत के तीनों फॉर्मेट्स में 2020 50-50 आवर्स और आपके टेस्ट मैच तीनों फॉर्मेट में यह खेले। इन्होंने अब रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है विनय कुमार जो कि एक क्रिकेटर थे बॉलर थे। हु रिसेंटली बिकम द MD एंड CEO ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD एंड CEO कौन बने हैं याद रखिएगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के तो वह बने हैं दैट इज द MV राव हैं जो कि आपकी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के न्यू MD बने हैं याद रखिएगा। क्लियर समझ में आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। नेक्स्ट हु वन द गोल्ड मेडल एट द आउटस्टैंडिंग्स यूक्रेनियंस रेसलर्स एंड कोचेज मेमोरियल टूर्नामेंट। राइट तो किसने यह गोल्ड मेडल जीता है सर्च कीजिएगा गूगल्स पे टाइप करिएगा या न्यूज़पेपर्स के माध्यम से भी आप पढ़ सकते हैं।
प्लीज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, ओके? तो एंड अप करते हैं वीडियो को। अगर आपको अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने ऑल ऑफ फ्रेंड्स में। चैनल्स पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए मैंने आपको फिर बता देता हूँ, टेलीग्राम चैनल्स का लिंक अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप पीडीएफ ले सकते हैं। अदरवाइज कमेंट बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर भी नहीं मिलता तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा, ओके? तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आई होप यू आर एंजॉय द सेशंस। इफ आई एंजॉय द सेशंस तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स, ओके? प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल्स। मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने परिवार का भी जरूर ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।